डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार पर। बच्चों, ये क्लास फाइव का एक्सरसाइज 2.4 है। क्लास फाइव में लगभग मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक कुछ चैप्टर जो है छूटे हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज छूटे हुए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिवाइड दिया हुआ है और क्लास फाइव में बड़ी बड़ी डिवाइड दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट जो है इस क्लास में बेहतर ढंग से सीख ले, इसीलिए दिया जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड। जो नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2 है और इसे हम डिवाइड दे दिए, 9 को डिवाइड देते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बार में चल जाएगा, ये 4 बार में, 2 4 8 हो गया, इसको माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 1 बच गया। इन सभी चीज़ों का नाम है, ठीक है। ये कोसेंट, क्यू यू ओ, देखिए कोसेंट का स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये इसका स्पेलिंग जो है वो टेढ़ा है, कोसेंट, और इसका नाम है इसका, ठीक है, इसका नाम है डिवाइजर, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड देते हैं। डिवाइजर का स्पेलिंग सही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओ आर, ठीक है। और इसका नाम जो 9 है, इसका नाम हो जाएगा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, ये इसका नाम आ गया डिवाइडेंड। और यहाँ पे ये जो नाम है वो आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर, ये हो गया। ये अब बोल रहा है कि जिस नंबर को हम डिवाइड देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिवाइडेंड। और ये कितने नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये बी इसका सही है। अब यहाँ 2 नंबर में, व्हाट विल बी द कोसेंट व्हेन वी डिवाइड इतना बाय इतना, मतलब इस नंबर को हम 124 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आंसर जो है 3 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं तो 124, देखिए इसमें अंदाज़ा लगाने का, ये क्वेश्चन जो है अंदाज़ा लगा के बनाया जाता है। 124 दिया हुआ है तो हम 124 का टेबल नहीं पढ़ सकते, कोई भी टीचर हो, स्टूडेंट हो, 124 का टेबल नहीं जान सकता वो। तो क्या करेंगे, हम 1 का टेबल पढ़ सकते हैं और इसको यहाँ से मैच करेंगे 3 से, कितने बार में जाएगा, 1 3 जा 300, मतलब 3 बार में जाने की संभावना है। तो हम इसको चेक कर लेंगे, 123 24, 3 बार में हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 3 जा 12 हो गया, 1 बच गया, और 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 1 जा 3 372 आ रहा है। इसका मतलब है कि 3 बार में जाने की इसका संभावना है, 4 बार में 400 चला जाएगा, इसलिए इतने बार में जाएगा ये, 3 बार में चला जाएगा 372, इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 2 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, मतलब 0 लिख सकते हैं या काट सकते हैं इसको, 12 रह गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ले आएंगे, 6 ले आएंगे तो 124 और 126, मतलब एक बार में जाएगा। यहाँ पे 1 ले लेते हैं और 124, 2 बच जाएगा ओनली, ये कट गया, ये भी कट गया। अब 9 यहाँ पे लेंगे, यहाँ से कोई भी नंबर ऊपर से लेते हैं यहाँ पर तो वो क्या होता है, वो बाई डिफ़ॉल्ट वो एक नंबर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिवाइड ना जाए, छोटा रह जाए ये नंबर, तो फिर हम दूसरा नंबर ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे पहले एक 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम दूसरा नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक 0 डाल दिया है और 6 जो है यहाँ पे ले लेते हैं। अब कितना बार में जाएगा ये, 2 बार में, 296, यहाँ पे 6, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, और 124 चेक करते हैं, 48, 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 248 आ रहा है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 बार में 300 चला जाएगा, 300 से प्लस चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार होगा, 2 और 248, इसमें कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, 6, तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 की जगह पे 8 हो गया तो 4 बचेगा, और 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन कोसेंट क्या आ रहा है, 3102,
ये कितने में दिया हुआ है, 3102 ये दिया हुआ है सी नंबर में। इसका मतलब है कि ये सी नंबर जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा, थोड़ा सा मतलब इसको बनाने में समय लगेगा इसको, और ज़्यादा हड़बड़ी में अगर आप बनाते हैं तो ये गलती होने की काफ़ी संभावना, और इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसको काफ़ी सावधानी से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट नंबर का, सभी को डिवाइड करना है, क्वेश्चन निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करते हैं 235, और यहाँ पे हो गया 20। अभी भी आप क्वेश्चन उतारेंगे तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन गलत ना उतारे, अन्यथा फिर बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को उतारने के बाद एक बार और चेक कर लेना है। चलिए यहाँ पे 235 हमारे पास है, 235, और थ्री डिजिट में हम लेते हैं तो 205 से मतलब 205 से ज़्यादा है, और 235 इसका मतलब हमें फोर डिजिट तक लेना पड़ेगा, तो फोर डिजिट तक लेते हैं। टू का टेबल हम पढ़ेंगे, 20 लाएंगे तो 10 बार में आता है, 10 बार कभी भी डिवाइड नहीं दिया जाता है, वो जाता ही नहीं, ठीक है। तो हम 9 बार चेक करेंगे और या फिर 8 बार चेक करेंगे, पहले हम 9 चेक कर लेते हैं, 235 को 9 से चेक करेंगे, 95 जा 45 हो गया 4, और 93 जा 27, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ पे 1 आ गया और बच गया 3, 92 जा 18, 19, 20, 21 कितना आ रहा है, 9 बार में ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो हम 8 बार में लेते हैं, 8 इसको मिटा देते हैं, 235 8 बार में ज़रूर चला जाएगा, तो यहाँ पे 85 से 40 हो गया, 0 4 बच गया, ठीक है, और 83 जा 8 24 24 और 4 28 हो गया, यहाँ पे 8 28 तो बच गया 2, 8 2 जा 16 17 18, ठीक है। इतने बार में जाएगा 8 बार में, सबसे पहले हम 8 ले लेते हैं और यहाँ 18 80 माइनस करेंगे 6 हो गया, 15 में से 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ 8 चला गया तो 1 बच गया, ये कटकुट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 8, कितने बार में जाएगा, 8 बार में तो 1800 आया, इसका मतलब है कि 7 से चेक करना पड़ेगा हमें, निश्चित रूप से 7 बार में चला जाएगा, 7 75 35 3 बच गया, 7 3 21 21 और 3 24 हो गया, 2 बच गया, 7 2 14 15 16 बस यही जाएगा, यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं और यहाँ पे 16 45 ये माइनस कर देंगे इसको, 3 2 और 1 ये क्रॉस हो जाएगा, 1 बच गया यहाँ पे 0। ये 12 30 कितना बार में आएगा, देखिए 7 में 16 आ रहा है, इसका मतलब 6 में भी नहीं आएगा, 5 में हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिटा लेते हैं इसको, 5 2 30 5 5 5 5 या 25 हो गया, ये 25 5 हो गया, 2 बच गया, और 5 3 या 15 15 16 17 1 बच गया, 5 2 या 10 और 1 11 हो रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब 5 बार में ही जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 11 75 75 कितना हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की जगह 2 हो जाएगा, 12 में से 7 फिर से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो ये क्रॉस 55 रिमाइंडर इसका हो गया, और ये कोसेंट जो है इसका 875। तो आप अलग से इसको लिख सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं, कोसेंट इक्वल टू 875 और आर इक्वल टू 55, यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे 257 से डिवाइड देना है, तो फर्स्ट में जो है हम देख रहे हैं कि 257 ही यहाँ पे है, तो मतलब है कि 1 बार में सबसे पहले चला जाएगा ये 1257,
और ये माइनस हो जाएगा, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस टोटल कट जाएगा, यहाँ पे बच क्या गया 8। 8 जो है वन डिजिट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन 8 आने के बाद अभी काफ़ी छोटा है ये, इसको बड़ा करना पड़ेगा। कैसे होगा, तो फिर से एक नंबर लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे 9, अभी भी छोटा है तो फिर से एक नंबर लेना पड़ेगा, फिर से एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0, 890। यहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे कि 2 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 4 8 4 बार में आता है। हम 4 से इसको चेक करेंगे, 257 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 4 28 2 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 4 20 हो गया और 2 22, फिर से 2 बच गया और 4 2 8 8 और 2 10 हो गया, ज़्यादा हो रहा है, मतलब है कि हमें 3 बार में लेना पड़ेगा। 257 को 3 से हम चेक करते हैं, इसमें 7 3 21 हो गया, 2 बच गया और 5 3 15 16 17 1 बच गया और 3 2 6 और 1 7 7 71 कितना बार में गया, 3 बार में, ठीक है। 3 यहाँ पे हम ले लेते हैं और यहाँ पे हो गया 3 7 71, यहाँ पे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 7, तो 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया, बच गया 1 8। कितने बार में जाएगा ये देखिए, 4 बार में ये 1000 प्लस जा रहा था, 5 बार में एक बार चेक कर लेते हैं, 257 हो गया और ये 5 7 5 35 हो गया, 3 बच गया, 5 5 25 और 3 8 28 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 2 10 और 2 12, तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 4 बार में ही जाएगा। चलिए यहाँ पे हम 4 बार में ले जाते हैं इसको, कितना हो गया 10 28, माइनस कर देते हैं, यहाँ 0 हो गया पहले और यहाँ पे 9 में से 2 7 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ये क्रॉस लग गया, 170 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसेंट इक्वल टू 10034 और रिमाइंडर इक्वल टू 170, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, अगला पार्ट हमारे पास है जिसे 198 से डिवाइड देना है, तो 198 का मतलब लगभग 200 हो गया और यहाँ पे 400 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि 2 बार में ये जाएगा। देखिए 198 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो गया, 192 18 और 119 यहाँ पे 19, 1 बच गया तो 212 और 1 3 396 हो रहा है, तो ये इतना ही बार में जाएगा, 2 बार में ले जाते हैं इसको 396 और इसको कर देंगे माइनस, 12 में से 6 तो 6 हो गया और 7 की जगह पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16 में से 9 तो 7 हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा 3 में से 3, उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद हम 3 से इसको चेक कर लेते हैं, 198 को 3 8 3 8 24 4 हो गया, 2 बची है, 24 हुआ, 9 3 27 और 2 29, फिर से 2 बच गया और 3 1 3 और 2 5, इससे ज़्यादा जाने की संभावना है, एक और बढ़ा देते हैं, 198 को 4 कर देते हैं, 4 8 4 32, 3 बची है और 9 4 36 36 7 8 9 39, 3 बच गया और 4 1 4 और 3 7 792, ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 3 बार में ही जाएगा, 3 बार यहाँ ले लेते हैं, 594 ये हो गया, 13 में से 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 की जगह पे 5 हो जाएगा, 5 मतलब 15 हो जाएगा, 15 में से 9 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7 की जगह पे 6 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बच गया 3 5 बचा हुआ है, 5 कितने बार में जाएगा, 16 2 8 16 4 5 6 7, 7 बार में हम ट्राई करते हैं इसको, 198 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 हो गया, 5
नाइन सेवन जो 63 और 5 थ्री फाइव 8 हो गया तो 68 हो गया, ठीक है। 6 बच गया, 7 वन जो 7 और 6 13 हो रहा, मतलब 7 में भी कम हो रहा। तो 8 में जाते हैं, 8 जो 64 हो गया, 6 बच गया, 9 8 जो 72 और 6 78 7 बच गया, 8 वन जो 8 और 7 15 हो गया, 15 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 8 बार में जाते हैं, 8 और यहाँ पे हो गया 15 84, माइनस करेंगे इसको, इस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे फिर 1 हो गया और फिर यहाँ पे 1 हो गया, क्रॉस हो जाएगा, एक बचा हुआ ये 6। ये कितना में आएगा, ये 7 में 13 आया था तो 6 या 5, ये दो चेक करना होगा। यहाँ पे इसको रहने देते हैं, एक बार 5 से चेक कर लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो 6 से चेक करेंगे। 9 5 जा 8 5 जा 44 बच गया और 9 5 जा 45 45 और 4 49 4, 5 1 जा 5 और 4 9, इतना हो रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 6 से कर लेते हैं, 8 6 जा 48 हो गया, 9 6 जा 54, 48 में 4 बच गया तो यहाँ 54 आया, 4 58 हो जाएगा 5, और 6 1 जा 6 और 5 11, जाएगा कितना 5 बार में जाएगा। यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे हो गया 990, इसको करेंगे माइनस, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, ये हो गया और यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको, 6 हो गया, 11 में से 9 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 126, मतलब परसेंट हो गया 2385 और रिमाइंडर हो गया 126। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया पार्ट थर्ड। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 नंबर और यहाँ पे 421 से ये डिवाइड करने के लिए कहा गया है, तो 4 2 जा 8 हो रहा है, 8 42 हो जाएगा, 21 2 जा 42, इसका मतलब है कि 1 बार में ही जाएगा, इसको हम 1 बार में ले जाते हैं। 421 कितना हो गया, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब एक नंबर यहाँ पे आएगा, अब जो है कितना बार में जाएगा, 4 7 7 बार में चेक करते हैं, 8 बार में चेक कर लेते हैं, 421 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 1 बच गया है, 8 4 जा 32 और 1 33, ये कम हो रहा है, इसका मतलब है कि और ज़्यादा लेना पड़ेगा, 4 21 9 9 1 जा 9 हो गया और 9 2 जा 18 1 बच गया, 9 4 जा 36 और 1 37, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 9 से ले लेते हैं इसको, 9 यहाँ पे हो गया, 3 7 8 9 और ये माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, 15 में से 9 6 हो जाएगा और यहाँ 6 की जगह पे 5 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये यहाँ 7 हो जाएगा और 0 की जगह पे 9 तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये क्रॉस लग जाएगा, 6 नीचे में 6 आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में तो इतना था, 5 5 या 6 चेक करना होगा, 5 पहले चेक कर लेते हैं, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 0 1 बच गया, 5 4 जा 20 और 1 21 27 चाहिए, तो 7 7 चेक कर लेते हैं, 21 7 कितना हो गया, 7 14 हो गया, 7 2 जा 14 1 बच गया, 7 4 जा 28 और 1 29 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि 6 बार में ही जाएगा। 6 चेक करते हैं इसको कितना आ रहा है,
सिक्स, वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, टू वन बच गया, और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव, यही जाएगा सिक्स बार में, सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ज़ीरो फोर टू, ये तो क्रॉस हो गया, बचा क्या? कुछ भी नहीं, ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब कोसेंट कितना हो गया, कोसेंट हो गया 196 और रिमाइंडर हो गया 240 और यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है और इसमें 423 से इसको डिवाइड देना है, 4 टू जा 8 हो जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें वन बार में ही लेना पड़ेगा, इसको वन से दे देते हैं 423, ये हो गया, और इसको करते हैं माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 6 आएगा, 35 कितना हो जाएगा, 4 का टेबल में 4 सेवन जा 28, 4 8 जा 32, मतलब है कि 7 या 8 बार में हमें चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं 423 7 बार में चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 2 हो गया, और 7 2 जा 14, 15 16, 1 बच गया, 7 4 जा 28 और 1 29, 8 बार में ले लेते हैं क्योंकि ये तो छोटा लग रहा है, 29 और 4 तो इसमें 33, मतलब है कि 8 बार में ही जाएगा, 423 एट, एट थ्री जा फिर कसलते 24, 24 हो गया, 2 बच गया, 16 और 2 18 हो गया, 1 बच गया, 8 4 जा 32 और 1 33, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके बाद जो है 37 तक पहुंच जा रहा है, तो यहाँ पे हम 8 बार में ले लेते हैं, 8 3 3 8 4 माइनस करेंगे, 2 बचेगा यहाँ और 13 में से 8 5 5 की जगह पे 4 बच जाएगा तो 1 हो गया, ये क्रॉस लग जाएगा, अब क्या रह गया, 6 गया तो 5, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहाँ पे 15 है, 4 3 जा 12, 3 बार में जाने की संभावना है, 2 3 3 9 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 बार चेक कर लेते हैं, 4 बार में हालांकि जाएगा नहीं क्योंकि अधिक हो जाएगा, यहाँ पे 12 है और 4 उसमें बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 3 जा 12 1, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, ज़्यादा हो रहा है, 3 बार में ही जाएगा तो यहाँ पे 3 दे देते हैं और यहाँ पे 12 69 माइनस 5 15 हो गया 9 6, और यहाँ पे 1 की जगह 2 की जगह पे 1 हो गया तो वहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 5 की जगह पे 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्रॉस लग गया, अब हमारे पास 0 आएगा, ये किस नंबर से जाएगा, यहाँ 25 है, 7 में 29, 8 में 7 6, 6 में चेक करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, 18 1 12 1 13 1 बच गया और 6 4 जा 24 1 25 38, इसका मतलब इतना ही बार में जाएगा, ये 6 और 25 38 माइनस करेंगे इसको, इसमें जगह बना लेंगे और ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 यहाँ पे 6 की जगह 5 बचेगा तो 3 फिर से 2 और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, बच गया 23, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर से 3 यहाँ पे आ जाएगा, 223 जो कि डिवाइजर से छोटा है, छोटा है और डिवाइड ना जाए, कोई भी नंबर ऊपर से आए और डिवाइड ना जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो तो रिमाइंडर हो जाता है
और यहाँ पे एक जीरो आ जाता है, ये एक जीरो आ गया, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कोसेंट इसका आ जाएगा 18 360 और रिमाइंडर इसका आ जाएगा 223 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, एक लास्ट पार्ट है। अगला पार्ट हमारे पास है 6 पार्ट है और इसमें 283 से इसको डिवाइड देना है। तो सबसे पहले हमारे पास 300 इतना है 47, तो ये 1 बार में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 से प्लस हो जाएगा, 500 से भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 बार में जाते हैं, 283 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14 में से 8 6 यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, 643 हो रहा है। तो हम इसको 2 बार में चेक कर लेते हैं, 283 सिक्स, 3 2 जा 6 हो गया, 8 2 जा 16, 1 बच गया, 2 2 जा 4 और 1 566। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि 5 में 200 ऐड हो जाएगा, 7 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से ही देते हैं, 566 करेंगे माइनस 3 में से 6 जाएगा ना, 13 हो गया, 13 में से 6 तो 7, और यहाँ 4 की जगह फिर 3 हो गया, फिर से 13, 13 में से 6 7 और यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, 6 नीचे आएगा। अब किससे जाएगा? 3 से जाने की संभावना है, हम 3 से इसको चेक कर लेते हैं, 283 3 3 जा 9 हो गया, 8 3 जा 24 24, तो यहाँ 4 हो गया, 2 बच गया, 3 2 जा 6 और 2 8 ज़्यादा हो जा रहा, अधिक हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 2 ही बार में जाएगा। तो यहाँ पे 2 दे देते हैं और 566 0 हो गया, 1 हो गया और फिर से 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 7 में से 5 2 2 10 6 तक हो गया। यहाँ 4 हो जाएगा और कितना बार में चला जाएगा ये, 2 10 जा नहीं जाएगा, 8 बार में चेक करते हैं, 8 9 यहाँ पे 283 8 8 3 जा 24 एट कैंसिल करते 24 2 8 8 जा 16 8 8 जा 64 हो गया, 64 और 266 6 बच गया, 8 2 जा 16 16 और 4 20 हो गया और 222 8 बार में तो अधिक हो रहा है, इसका मतलब है कि 7 बार में जाएगा, कंफर्म है कि 7 बार में जाएगा। 283 मल्टीप्लाई 7 21 आ गया, 2 बच गया, 8 7 जा 56 58 हो जाएगा, 5 बच गया, 7 2 जा 14 14 और 5 19 इतना बार में जाएगा, 7 बार में, ठीक है, यहाँ 7 दे देते हैं और यहाँ पे हो गया 19 81, ये माइनस हो जाएगा, जगह बनाते हैं इसमें, कितना हो गया 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, 9 1 और ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब है कि यही इसका आंसर हो जाएगा। कोसेंट लिख देते हैं यहाँ पे, कोसेंट इक्वल टू 1227 और रिमाइंडर इक्वल टू 123 और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपको काफ़ी सावधानी से बनाना है और इसको प्रैक्टिस भी काफ़ी करना है, तभी आप इसको सीख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।